हेलो बच्चों, क्लास 7। तो लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करने के लिए दिया था, तो एक बार हम देख लेते हैं उसके आंसर्स। तो फर्स्ट था हमारे पास, ज्ञात कीजिए 2 सही 3/4 का 1/2 हिस्सा, ये हमने ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले तो ये जो मिश्रित भिन्न है इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं? आगे वाली संख्या को नीचे से गुना जमा ऊपर में जमा ऊपर वाली संख्या, तो 4 × 8 + 3, तो क्या हो जाएगा, ये 11/4 का 1/2, यानी इसका गुना में 1/2 करेंगे। ठीक है, ऊपर वाली संख्याओं का गुना करो, 11 × 11, नीचे वाली का 4 × 8। ठीक है, फिर इसको मिश्रित भिन्न में बनाना है, तो 11 और 8 का भाग कर लेंगे, 8 × 8 और नीचे बच जाएगा 3। तो जो ये आया है इसको रखेंगे आगे, इसको शेषफल को ऊपर और इसको नीचे। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। उसके बाद देखो दूसरा पार्ट, 4 सही 2/9 का 1/2, तो इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे, 9 × 36 और 2 = 38/9 का 1/2, 38 × 38, 9 × 18। फिर इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है, तो इसका भाग कर लेंगे, 18 × 36, 2 बचेगा, तो इसका क्या हो जाएगी, ये मिश्रित भिन्न 2 सही 2/18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें 3 सही 5/6 का 5/8 वैसा ही है, उसी का ही दूसरा पार्ट है, तो 6 × 3 = 18 और 5 = 23/6 का 5/8 गुना 5/8, तो 23 को 5 से गुना करेंगे, 5 × 15 = 5 × 10 = 11/6 × 8 = 48। ठीक है, इसको मिश्रित भिन्न में आप खुद बनाना। इसका सेकंड पार्ट, 9 × 3 = 27 और 2 = 29/3 का 5/8 गुना में 5/8, तो 29 को 5 से गुना करेंगे, कितना जाएगा, 5 × 10 = 4 = 14 24, तो ये आ जाएगा 145/24, तो इसको भी भाग करेंगे तो इसकी मिश्रित भिन्न आ जाएगी। ठीक है, तो इनके मिश्रित भिन्न बना लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या और प्रताप दो बच्चे हैं, वो पिकनिक पर गए, उनकी माँ ने उन्हें एक बोतल दी जिसमें 5 लीटर पानी था। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया, तो जितना कुल पानी था उसका 2/5 हिस्सा किसने पिया, विद्या ने, और बचा हुआ पानी किसने पिया, उसके ये जो भाई था प्रताप, इसने पिया। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, पहले पार्ट में तो हमें बताना है विद्या ने कितना पानी पिया। ठीक है, तो उसने 5 लीटर का 2/5 हिस्सा पिया है। ठीक है, तो 5 लीटर का 2/5 हम निकाल लेंगे, तो विद्या द्वारा पानी का उपयोग आ जाएगा 5 लीटर का 1/2, जैसे इसका कर रहे थे ना, इनका इन 3 सही 5/6 का 5/8, तो ऐसे निकाला था, तो ऐसे इसका 5 लीटर का 1/2 हिस्सा कितना होगा, 5 को 1 से गुना करेंगे, 5 2/5 हिस्सा है, 5 को 2 से गुना करेंगे 10 और 5 को 1 से करेंगे 5। ठीक है, तो फिर इनका भाग कर लेंगे तो कितना जाएगा, 2 लीटर। तो ये जो 2 लीटर है, ये इतना पानी का उपयोग किसने किया, विद्या ने किया। ठीक है, फिर प्रताप द्वारा पानी का उपयोग, तो देखो कोई भी जब फ्रैक्शन में जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो सबसे पहले तो वो चीज़ अपने आप में पूरी होती है, कंप्लीट 1 होती है। ठीक है, फिर उस 1 में से हम उसके हिस्सों के बारे में बात करते हैं कि 1/5 की भिन्न, 2/5 की भिन्न। ठीक है, तो हमें प्रताप का द्वारा पानी का उपयोग निकालना है और भिन्न के अंदर निकालना है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है, ये पानी जो बात कर रहे हैं, ये 5 लीटर पानी पूरा अपने आप में पूरा 1 है। ठीक है, कंप्लीट 1 होता है, तो उस 1 में से उसका कितना हिस्सा, 2/5 भिन्न किसने पी लिया था, विद्या ने, तो उसमें से पूरे 1 में से 2/5 को घटा देंगे, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 5 को 1 से भाग करेंगे 5 5 को 1 से गुना करेंगे 5 5 को 5 से भाग करेंगे 1 1 को 2 से गुना करेंगे 2 ++ −/-5 में से 2 गए 3, तो 3/5
भाग जो है वो किसने पिया? प्रताप ने पिया है, ठीक है। और विद्या का कितना पानी पिया था उसने? 2 लीटर पानी, ठीक है। ये हमें भिन्न के रूप में निकालना था, पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्राप्त प्रताप ने पिया। तो भिन्न के लिए कोई भी चीज़ अपने आप में पूरी एक होती है, उस पूरी एक का 2/5 हिस्सा किसने पी लिया था? विद्या ने। तो 1 में से 2/5 घटा देंगे तो जो उत्तर आएगा वो पानी किसने पिया? प्रताप, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है, इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास।